नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ YouTube मोनेटाइजेशन के ऊपर। दोस्तों YouTube ने रिसेंटली अपना ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें YouTube ने क्लियरली बोला है कि अराउंड 16 लाख चैनल्स को एंड 78 लाख वीडियोज़ को YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर। YouTube ने इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि क्या क्या रीज़न है जिसके ऊपर बेस करके YouTube ने इन चैनल्स को या फिर इन वीडियोज़ को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव किया है। तो इन्हीं सारे रीजन्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप अगर आपका चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो इन रीजंस को क्लियरली जान पाएं एंड आप अपने चैनल को देख पाएं कि क्या रीज़न है जिसके कारण आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने चैनल में कुछ एक्शंस ले पाए। इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपका चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने चैनल के साथ कर सकते हो या जिसको करने से शायद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। YouTube ने इस रिपोर्ट में क्लियरली बोला है कि अराउंड 80% चैनल को डिलीट करने का कारण है स्पर्म मिसलीडिंग एंड स्कैमिंग कंटेंट। उसके बाद कुछ ऐसे भी रीजन है जैसे कि सेक्सुअल कंटेंट को दिखाना, फिर वायलेशन को प्रमोट करना, उसके ऊपर बेस करके भी YouTube ने चैनल्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया है। लेकिन जो मेजर रीजन है वो है स्पर्म मिसलीडिंग एंड स्कैम। तो अभी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसके कारण आपका चैनल इस कैटेगरी में आ सकता है। सबसे पहला चीज़ है कि डिसीविंग थंबनेल्स का यूज़ करना। बहुत सारे लोग थंबनेल्स में सेक्सुअल कंटेंट्स यूज़ करते हैं ताकि जो है व्यूज़ उसमें बढ़ें, लेकिन जो कंटेंट है वो कुछ अलग ही होता है। उसी तरह से जो मेटाडाटा यूज़ किया है, मतलब जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है या फिर टैग है, वो वीडियोज़ के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जिन लोगों ने टैग्स का यूज़ डिस्क्रिप्शन में किया है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि एक्सटेंसिवली एफिलिएटेड मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उनके वीडियोज़ में कुछ कंटेंट नहीं है बट वो लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे चैनल्स को YouTube अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दे रहा है। तो अगर आपका चैनल इस ऐसे किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली आपके चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट नहीं होगा। बेटर ऑप्शन यही है कि आप एक नया चैनल नए तरीके से शुरू करें जिसमें आप पूरे YouTube के जितने भी गाइडलाइंस है या फिर एडसेंस के जितने भी गाइडलाइंस है, कॉपीराइट गाइडलाइंस है, सारे को फॉलो करके आप कंटेंट्स अपलोड करें। तो अभी बात करते हैं उन चैनल्स के बारे में जिन लोगों का मोनेटाइजेशन अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है या फिर उन चैनल्स को YouTube ने अभी भी अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं किया है, मतलब अभी भी उसमें एक चांसेस हैं कि उसमें मोनेटाइज हो जाए। तो उन चैनल्स को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला कैटेगरी है जिन ऐसे चैनल्स जिसमें कि एक्सटेंसिवली खाली थर्ड पार्टी कंटेंट्स का यूज़ किया है, जैसे कि टिकटॉक का स्टेटस वीडियोस को कलेक्शन करके अपना कंटेंट बना रहे हैं या फिर व्हाट्सअप का जो कंटेंट्स हैं या फिर स्टेटस है उसको कलेक्ट करके एक वीडियोस बना रहे हैं। तो ऐसे अगर चैनल्स हैं तो उसको मैंने फर्स्ट कैटेगरी में रखा है जिसमें एक्सटेंसिवली थर्ड पार्टी कंटेंट का यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में ऐसे चैनल्स हैं जिसमें मॉडरेटली थर्ड पार्टी कंटेंट्स का यूज़ किया है, मतलब वीडियोस में हो सकता है कि जो टिकटॉक या फिर अलग साइट्स का अलग अलग क्रिएटर्स का उन लोगों ने कंटेंट यूज़ किया है, लेकिन बाकी वीडियोस जो हैं वो उनके खुद के हैं एंड उसमें उन लोगों ने अपना कंटेंट डाला है। एंड थर्ड ऐसे कैटेगरी के चैनल जिसमें उन लोगों ने अपना कंटेंट ही डाला है लेकिन एक या दो वीडियो में शायद कॉपीराइटेड क्लेम है या फिर उन लोगों ने थर्ड पार्टी कंटेंट यूज़ किया है। तो इन सभी कैटेगरीज़ के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि या तो वो लोग अपने एग्जिस्टिंग चैनल को क्लोज कर दें एंड एक नया चैनल का शुरू करें, एंड दूसरा ऑप्शन है कि वो लोग अपने एग्जिस्टिंग चैनल को ही कंटिन्यू करें एंड उसमें वीडियोस अपलोड करें। जो फर्स्ट कैटेगरी है जो कि कम्प्लीटली थर्ड पार्टी कंटेंट्स के ऊपर बेस करके बनाया गया है, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग अपने एग्जिस्टिंग चैनल को भूल जाएँ, क्योंकि उसमें मोनेटाइजेशन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो वो लोग नया चैनल शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उन लोगों को ध्यान में रखना है कि वो लोग सेम जीमेल आईडी यूज़ करके नया चैनल शुरू नहीं करें, क्योंकि YouTube जो है वो सेम आईडी से अगर शुरू करेंगे तो उसमें हो सकता है कि बाद में जाके मोनेटाइजेशन एक्टिवेट नहीं करें। तो बेटर ऑप्शन यही है कि एक कम्प्लीटली नया आईडी क्रिएट करके एक नया चैनल शुरू करें। दूसरे जो कैटेगरी में आते हैं जिसमें कि मॉडरेट थर्ड पार्टी कंटेंट का यूज़ किया गया है, वो चैनल के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि उनके पास दोनों ऑप्शन हैं। या तो वो लोग एग्जिस्टिंग चैनल को क्लोज करके एक नया चैनल शुरू कर सकते हैं जिसमें सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके वो लोग कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो चैनल है उसमें भी वो लोग सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं एंड धीरे धीरे जो ओल्ड कंटेंट्स हैं जिसमें कि उन लोगों ने थर्ड पार्टी कंटेंट यूज़ किया है, वैसे वीडियोज़ को वो लोग अपने प्लेटफॉर्म से या फिर अपने चैनल से वो लोग डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करके वो लोग कुछ दिन के अंदर एक ऐसा चैनल अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें कि सारे जो कंटेंट्स हैं वो उनके खुद के हैं एंड उसमें उन लोगों ने थर्ड पार्टी कंटेंट्स का यूज़ नहीं किया है। थर्ड कैटेगरी जिनमें एक दो वीडियोज़ में कॉपीराइटेड क्लेम है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक है, तो वो लोग ऐसे कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दें कम्प्लीटली एंड उसी चैनल में नए नए कंटेंट, अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करते रहें, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। डेफिनेटली YouTube जो है उनके चैनल में मोनेटाइजेशन
डीएक्टिवेट कर देगा। तो आशा करता हूँ कि YouTube मोनेटाइजेशन के ऊपर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे, एटलीस्ट आपको अपने चैनल में कुछ आगे बढ़ने का आइडिया मिला होगा। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इसको आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।